एक्सरसाइज 13.1 में एक क्वेश्चन है तीन नंबर का, जिसमें 30x लेस देन 200 आपको दिया हुआ। अगर यहां से हम x निकालते हैं तो x लेस देन हो जाएगा कितना, 200 बाय 30 से, तो कैंसिल आउट अगर होगा, 3 से डिवाइड अगर करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 6.6, नहीं होगा, तो x लेस देन 6.6 आपको मिला। दो कंडीशन इसमें दिया हुआ, पहला कंडीशन क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है कहां पे, इंटीजर यानी पूर्णांक ना हुआ, तो पूर्णांक में 6.6 से छोटा जो होगा वो 6 आएगा, क्योंकि इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है, इंटीजर आपको स्टार्ट होता है नेगेटिव से, -3 -2 -1 0 1 2 3 फोर फाइव सिक्स सेवन से लेकर के आगे तक ऐसे होता है, तो 6.6 से छोटा 6 आएगा, उससे छोटा 5 आएगा, उससे छोटा 4 आएगा, उससे छोटा 3 आएगा, उससे छोटा 2 आएगा, यानी कि 6 से लेकर के पीछे जितना भी ये देख रहे हैं सब का सब आ जाएगा, देखेंगे। हैंस हियर एक्स बिलोंग करेगा -3 -2 -1 0 1 2 3 फोर फाइव सिक्स, यानी 6 तक जाके आपको रुक जाना, 6 से ऊपर नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि आपको बोल रहा है एक्स लेस देन 6.6, इसीलिए। तो ये हो गया पहला नंबर का। दूसरा नंबर आपको बोल रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, कि एक्स प्राकृतिक संख्या है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ऐसा होता है ना। तो इसमें अगर देखें 6.6 से छोटा कौन सा है, तो 6.6 से छोटा जस्ट जो है वो 6 मिलेगा, फिर 5 फिर 4 फिर, तो ये 6 से लेकर के आपको 1 तक ही रुक जाएगा, क्योंकि ये तो स्टार्ट हुआ है 1 से ना। लिखेंगे हैंस हियर एक्स बिलोंग करेगा 1 2 3 4 5 6, यहीं पे आकर के आपको रुक जाना है। इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर आपको ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर देखें, 4 में दो क्वेश्चन है ए और बी करके, तो अगर ए क्वेश्चन को देखें तो आपको यही दिया हुआ है 3x प्लस 5 लेस देन x माइनस 7। अगर x को इधर लाएं तो ये 3x माइनस x होगा, और 5 को उधर ले जाए तो माइनस 5 हो जाएगा, तो ये 2x लेस देन हो जाएगा माइनस 12। तो x निकालेंगे तो ये 2 जाएगा उधर, चूंकि 2 यहाँ प्लस में है इसीलिए साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आपको -12/2 हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये x लेस देन -6 हो जाएगा। अब इसके आधार पर आपको दो चीज़ दिया हुआ है, तो पहला चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि x अगर इंटीजर हो, x अगर इंटीजर हो तब अगर -6 से छोटा बोल रहा है तो वो -7 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं ना है, तो -6 से छोटा पूर्णांक कौन, -7, उससे छोटा -8 -9, इस तरह से जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है x बिलोंग करेगा -6, इससे छोटा -7, इससे छोटा -8, इसी तरह से लेकर के निगेटिव में जितनी भी संख्या है वो सब संख्या लेगा, यानी कि -6 ही इधर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट अगर देखें तो उसमें क्या दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ, यही है ना। तो ये रियल नंबर पर जब जाता है तो वहाँ पर इंटरवल बनता है, जिसके बारे में आपको बताया नहीं है, अभी जस्ट बताएंगे। तो एक्स जब रियल नंबर में आपको बिलोंग करे तो आप ये समझिए कि आपको नंबर लाइन लेना पड़ेगा, और नंबर लाइन पर अगर -6 हम लेते हैं तो ये क्या कर रहा है, एक्स लेस देन -6, यानी कि -6 को छोड़ करके इससे छोटा, इससे छोटा कहाँ तक आप जा सकते हैं, तो इससे छोटा आप -∞ तक जा सकते हैं। तो -6 से लेकर के -∞ तक, इसी को इंटरवल में हम लोग लिखते हैं -∞ to -6, ये ओपन इंटरवल होता है। आगे हम देख रहे हैं इंटरवल के बारे में, इंटरवल जो है उसको अंतराल कहते हैं। इंटरवल आपको एग्जिस्ट तब करता है जबकि रियल नंबर के सेट पे हम बात करें, रियल नंबर का सेट सबसे बड़ा सेट होता है,
नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा सेट रियल नंबर का होता है, और रियल नंबर का मतलब होता है जैसे x बिलोंग टू r करके दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है रियल नंबर लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो रियल नंबर लाइन में जितना पॉइंट है सब लेते हैं, और सबसे दाईं तरफ होता है ये जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी होता है ये, यानी समझिए प्लस में सबसे बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे बाईं तरफ जो होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ेंगे माइनस इन्फिनिटी। तो इस नंबर लाइन पर आपको जो है इंटरवल का निर्माण होता है, यानी अगर किसी दो पॉइंट के बीच में अगर कोई संख्या लेना है तो किस अंदाज से आप ले सकते हैं। तो कुल चार तरह का इंटरवल यहाँ एग्जिस्ट होता है, इसमें से पहला इंटरवल है जिसको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम लोग बोलते हैं खुला अंतराल। खुला अंतराल में क्या होता है कि मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, x 2 से बड़ा 5 से छोटा, लेकिन x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है r में। तो x अगर रियल नंबर में अगर बिलोंग करे और x के साथ अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर लाइन सिस्टम आपको लेना है। तो नंबर लाइन सिस्टम पे अगर 2 लिखें कहीं पर भी, तो 2 अगर इधर होगा तो 2 के दाईं तरफ 5 होगा, क्योंकि 2 से बड़ी संख्या ना 5 है, इसलिए 2 होगा लेफ्ट तरफ, तो 5 होगा राइट तरफ। तो ये कहता है एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा इसका मतलब हो गया 2 के जस्ट दाईं तरफ 2.1, 2.2, 2.3 जितना भी ये सब 2 से बड़ा है ना, यानी 2 के दाईं तरफ। तो 2 में यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि इस 2 को छोड़ करके हमें इसके दाईं तरफ से चलना है, 2 को छोड़ करके इसके दाईं तरफ से हमें चलना है। तो x ग्रेटर देन 2 हो गया, और इधर बोल रहा है x लेस देन 5, मतलब ये हुआ 5 को छोड़ करके हमें 5 से बाईं तरफ आना है। तो 2 और 5 के बीच की जितनी भी संख्या है वो सब इसमें रहता है, केवल 2 और 5 इसमें नहीं रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये, इसको हम लोग होल पॉइंट कह सकते हैं, यानी ये यूँ समझिए कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर ये ब्रेक कर रहा है। एक्चुअल में ये जो लिखे हैं इसको नंबर लाइन सिस्टम पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इसके बगल में लिखा जाता आपको कि 5 पर होल है, यानी कि इसमें 5 नहीं है। तो होल पॉइंट लीजिए, या इसको व्हाइट बॉल करके आपको समझना है। जब भी होल पॉइंट या व्हाइट बॉल करके बोले तो आपको समझ लेना है कि इस पॉइंट को हम छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए चारों तरफ से ये घिरा हुआ, अंदर में खाली है, तो अंदर में खाली है तो ये लग रहा होगा कि उजला गेंद है, ये व्हाइट बॉल, इसलिए इसको कहा जाता है। तो व्हाइट बॉल जब भी कहें समझ लेना है कि और इस पॉइंट को छोड़ रहे हैं, तो इसको छोड़ रहे हैं और साथ ही 2 को भी छोड़ रहे हैं, लेकिन बीच की जितनी संख्या है सबको इसमें लिया आता है। तो इसको लेने का जो तरीका है इंटरवल में, वो तरीका है कि छोटी ब्रैकेट 2 to 5 लिखते हैं ऐसे करके, छोटी ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उससे घेर करके अगर लिखते हैं, इसका मतलब हो गया कि 2 और 5 को छोड़ दिए हैं, बीच की सभी संख्या इसमें लिए हैं, यानी कि x बिलोंग करेगा 2 to 5। इसी को लिखने का एक दूसरा टेक्निक भी है, और वो टेक्निक क्या है कि ब्रैकेट को बाहर की तरफ अगर खोल करके हम लिखते हैं, जो कैपिटल जो होता है ब्रैकेट, जो बड़ी ब्रैकेट होता है, अगर उसी साइन को बाहर की तरफ घुमा करके हम लिखें, तो ये भी इसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा टेक्निक होता है। जब भी ऐसा लिखा हुआ हो या ऐसा लिखा हुआ हो, समझ लेना है ओपन इंटरवल की बात हो रही है, यानी यहाँ इक्वल टू नहीं डालना है। तो ये था आपको ओपन इंटरवल। दूसरा अगर देखें जिसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल को बोलते हैं बंद अंतराल। बंद अंतराल में क्या होता है, जैसे कहीं लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन 5 लेस देन 10, लेकिन यहां पर इक्वल टू भी नीचे में लगा दिया है, इससे पहले इक्वल टू नहीं था इसमें, लेकिन इसमें क्या हुआ कि नीचे में इक्वल टू भी लग गया कि x ग्रेटर इक्वल टू 5 लेस इक्वल टू 10,
इस तरह से अगर लिखा हुआ हो और साथ ही आपको ये भी बोल रहा है कि x कहाँ जा रहा है, x हमेशा रियल नंबर में जाएगा, जब तक रियल नंबर में वो नहीं जाएगा तब तक इंटरवल का निर्माण ही नहीं होगा। तो इस कंडीशन में कह रहा है ये कि अगर नंबर लाइन सिस्टम पे ये 5 है और ये 10 है तो x ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से बड़ी संख्या, लेकिन साथ में 5 भी लेना है। तो 5 लेने के लिए क्या करते हैं, जो टेक्निक हम लोग पीछे लिए थे टेक्निक वही लेते हैं, बस अंदर में इसको डार्क कर देना है, अंदर में भी इसको रंग देना है। तो जैसे ही अंदर में आप रंग दिए तो इसका मतलब हो गया कि आप 5 को पकड़ लिए, 5 भी आपके कंसिडरेशन में है। तो 5 को लेकर के 5 से बड़ी और x लेस इक्वल टू 10 यानी 10 को लेते हुए 10 से छोटा, यानी 5 से 10 के बीच की संख्याएं तो इसमें रहेगी ही, साथ ही 5 और 10 भी रहेगा। तो इस टेक्निक को ये आपको फॉर्मल पॉइंट होता है, फॉर्मल पॉइंट होता है, इसको हम लोग ब्लैक बॉल से भी याद रखेंगे कि जब भी ब्लैक बॉल बोलें तो समझ लेना है कि इस पॉइंट को पकड़ लिए हैं, जब भी व्हाइट बॉल बोलें समझ लेना इस पॉइंट को हम छोड़ दिए हैं। तो इस कंडीशन में जब इसे इंटरवल में लिखेंगे तो ये 5 to 10 आपको लिखना है, यानी कि बड़ी ब्रैकेट कैपिटल जो ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट से जो है इसको हम लोग लिखते हैं 5 to 10, साइड में बड़ी ब्रैकेट आपको लगा देना है। तीसरा अगर देखें इसको ओपन क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, ये हो गया खुला और ये हो गया बंद, एक तरफ ओपन होता है एक तरफ क्लोज होता है, यानी कि अगर x बड़ा है -2 से, छोटा या बराबर है 3 से, एंड x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग करेगा आपको रियल नंबर में, x ग्रेटर देन -2 यानी कि एक नंबर लाइन अगर लें तो नंबर लाइन पर नेगेटिव संख्या पहले होगा तब ना पॉजिटिव संख्या होगा, तो -2 पहले होगा तो 3 दाईं तरफ होगा। x ग्रेटर देन -2 क्या इसमें इक्वल टू है, नहीं है, यानी -2 को हमें छोड़ देना है। x लेस इक्वल टू 3, देखिए 3 में यहाँ इक्वल टू लग गया है मतलब 3 को हमें लेना है, ये आपको ब्लैक बॉल हो गया तो ये व्हाइट बॉल हो गया। बीच की संख्याएं सभी में होगा, ये बीच की संख्याएं सभी में होगा, चाहे वो ओपन इंटरवल हो चाहे वो क्लोज इंटरवल हो, मामला होता है केवल साइड वाले पॉइंट का। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ओपन इंटरवल -2 से लेकर के क्लोज इंटरवल 3 तक, ओपन इंटरवल -2 से क्लोज इंटरवल 3 तक, इधर छोटी ब्रैकेट तो इधर बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, इधर हो गया ओपन इधर हो गया क्लोज, और इसका जस्ट उल्टा होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, अगला जो होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ये हो गया आपको इधर बंद तो इधर खुला, जैसे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 7 और साथ ही x कहाँ जा रहा है, x आपको रियल नंबर में ही बिलोंग कर रहा है, यानी नंबर लाइन अगर लेते हैं और नंबर लाइन पर अगर ये 1 है और ये अगर 7 है, क्योंकि 1 से बड़ी संख्या ना 7 है, तो x ग्रेटर इक्वल टू 1 यानी कि 1 को आपको कैरी करना है और 7 को छोड़ देना है, इधर आपको ब्लैक बॉल तो इधर व्हाइट बॉल, बीच की संख्याएं तो रहेगा ही, बीच की संख्याएं रहेगा ही। इसको कैसे लिखें, x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 7 तक, क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 7 तक, तो ये हो गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल। चार और सब कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रहे हैं जिसके आधार पर कि क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1, क्या लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1, तो नंबर लाइन अगर लेते हैं और नंबर लाइन पर अगर लेते हैं ये 1 है तो x बड़ा है 1 से, तो 1 के किधर जाइएगा, दाईं तरफ, क्या इसमें इक्वल टू है, नहीं है, यानी 1 को छोड़ करके किधर जाना है, 1 के दाईं तरफ, दाईं तरफ कहाँ तक, तो प्लस इन्फिनिटी तक।
प्लस इन्फिनिटी तक, तो एक से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं हैं सब इसमें रहेगा। तो लिखेंगे इसे x बिलोंग करेगा अपर इंटरवल 1 से लेकर के अपर इंटरवल इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी आपको एक सिंबल होता है, इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं होता है, इसलिए इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ही अपर इंटरवल का यूज करना है, ऐसा दिमाग में हमेशा फिक्स रखना है कि एक से बड़ी संख्या कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल और वन में भी लगाएंगे ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा देखिए, x ग्रेटर इक्वल टू 5 ऐसे लिखा हुआ है, ग्रेटर भी है साथ ही इक्वल टू भी लगा दिया है। तो नंबर लाइन सिस्टम को अगर पकड़ते हैं और इस पर कहीं अगर 5 को प्लेस करें हम, तो x ग्रेटर इक्वल टू यानी 5 को कैरी करते हुए 5 से बड़ी संख्या मतलब दाईं तरफ हमें जाना पड़ेगा। दाईं तरफ कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो लिखेंगे यहाँ पे x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 5 से अपर इंटरवल इन्फिनिटी तक। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर तो चलिए इक्वल टू नहीं था तो आप इधर लगा दिए ओपन, लेकिन यहाँ इक्वल टू होने के बावजूद भी इन्फिनिटी की तरफ अपर इंटरवल ही लगाना है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंबल होता है जो कि बड़ी से बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। एग्जैक्ट ये संख्या नहीं ना है, जैसे 5 एग्जैक्ट होता है इसलिए 5 में क्लोज लगाते हैं, लेकिन इन्फिनिटी तरफ हमेशा अपर इंटरवल ही चलेगा। सेम यही चीज़ देख लीजिए इसका अगला, कहीं लिखा हुआ x लेस देन 7 ऐसे लिखा हुआ है, यानी नंबर लाइन सिस्टम पे अगर कहीं 7 को हम प्लेस करें तो 7 से छोटा यानी 7 को छोड़ करके इससे छोटा, छोटा में किधर, बाईं तरफ माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि इसको लिखेंगे x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू 7, 7 में क्या करेंगे ओपन लगाएंगे और इधर भी आपको ओपन ही लगेगा। जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड लिखिए, जो राइट साइड है उसको राइट साइड लिखने का टेक्निक होता है। 7 में और माइनस इन्फिनिटी में लेफ्ट कौन है, ये है ना, इसको बाईं तरफ लिखे हैं और 7 को दाईं तरफ लिखे हैं और इंटरवल लगा दिए आपको, तो ये होगी आपको लेस देन अगर रहेगा तब। और अगला है कि एक्स लेस इक्वल टू अगर माइनस 5 है, तो नंबर लाइन सिस्टम को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं माइनस 5 तो होगा, तो लेस इक्वल टू के कारण इसको माइनस 5 को लेना पड़ेगा। तो माइनस 5 को लेते हुए कहाँ, माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस 5 क्लोज इंटरवल तक। इधर ओपन रहेगा तो इधर क्लोज रहेगा। ये 4 सब केस का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, उस टाइम में जब किसी टर्म का यूज नहीं किया हुआ हो कि एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि हिडन रूप में आपको समझ लेना है एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, फिक्स है ये चीज़। इसका मतलब है कि यहाँ आंसर आपको इंटरवल में मिलने वाला है। पहले इसको सॉल्व तो कर लें, ये आपको 5 का एक्सरसाइज 13.1 में 5 का एक नंबर क्वेश्चन है, एक्स प्लस 10 ग्रेटर देन 4x माइनस 5। 4x को इधर लाएंगे तो एक्स माइनस 4x ग्रेटर देन माइनस 5 माइनस 10, इस 10 को उधर ले गए तो माइनस हुआ, 4x को इधर लाए तो नेगेटिव आ गया, घटेगा तो माइनस 3x हो गया, माइनस 3x ग्रेटर देन माइनस 15। अब यहाँ पर देखिए कि निगेटिव है, ये x का कॉफिशियंट हो गया निगेटिव, जो ही निगेटिव को उधर ले जाएंगे तो साइन को बदलना पड़ेगा, यानी कि x ग्रेटर देन को करना पड़ेगा लेस देन माइनस 15 अपॉन माइनस 3। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यही ध्यान रखना है कि नेगेटिव का जब भी साइड चेंज करेंगे तो साइन को बदल देना है। तो डिवाइड जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब ये क्या हो गया, नंबर लाइन सिस्टम पे अगर आपको ध्यान में ये समझने के लिए लेते हैं कि अगर 5 अगर यहाँ पे है तो एक्स लेस देन 5 मतलब 5 को छोड़ करके 5 से छोटा, किधर, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 5 ओपन इंटरवल में। तो ये समझिए इंटरवल में आंसर हो गया, तो ये नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट इसको हम कर दिए। अगला क्वेश्चन अगर देखें इसी का, आपको 5 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7। 6x को इधर जब लाएंगे 4x माइनस 6x लेस देन 7 माइनस 3 हो जाएगा, ये 3 जाएगा उधर,
तो ये आपको माइनस टू एक्स होगा और ये आपको 4 हो जाएगा। अब चूंकि माइनस टू को आप उधर ले जाएंगे तो ये साइन बदलने वाला है, तो ये एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा 4 अपॉन माइनस टू, यानी एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस टू, इसे जब कैंसिल होगा तो। यानी नंबर लाइन सिस्टम पे अगर कहीं माइनस टू को हम प्लेस करते हैं तो एक्स बड़ा है माइनस टू से, मतलब हुआ माइनस टू को छोड़ करके इससे बड़ी संख्या, बड़ी मतलब किधर, दाईं तरफ, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब हो गया एक्स बिलोंग करेगा माइनस टू से लेकर के इन्फिनिटी तक, ओपन इंटरवल में चलना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का प्रयोग नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन देख रहे हैं, 6 का 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपको इक्वल टू का प्रयोग कर दिया है, 3 इंटू एक्स माइनस टू लेस इक्वल टू 5x प्लस 8। पहले यहाँ ओपन मतलब ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो 3x माइनस 6 लेस इक्वल टू 5x प्लस 8। 5x को इधर लाएंगे, 3x माइनस 5x लेस इक्वल टू 8 प्लस 6, माइनस 6 उधर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो माइनस 2x होगा और ये आपको हो जाएगा 14। तो जैसे ही माइनस 2 को उधर ले जाएंगे ये इनक्वालिटीज़ का साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 2। एक्स है ही माइनस 2 को ले गए इसलिए साइन बदल गया, तो जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो x बड़ा या बराबर होगा माइनस 7 से। तो नंबर लाइन सिस्टम पे अगर माइनस 7 को प्लेस करें कहीं पे तो x बड़ा, बड़ा में दाईं तरफ, इक्वल है, इक्वल टू भी है, इसीलिए माइनस 7 को आपको कैरी करना है और इससे दाईं तरफ आपको चलना है कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। यानी कि x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल माइनस 7 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ही ओपन इंटरवल का यूज करना है। अगला क्वेश्चन अगर देखें, 6 का ये 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको 3x प्लस 17 लेस इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। सबसे पहले क्या करते हैं, इधर ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 2 माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x को इधर लाते हैं, 3x प्लस 2x और 2 और ये उधर जाएगा, माइनस 17 हो जाएगा। प्लस से माइनस के तरफ ले जाने में साइन नहीं बदलता है, ये भी आपको कन्फ्यूजन होगा कि माइनस 2 को इधर लाए तो साइन बदल जाना चाहिए। जब गुना से भाग में ले जाएं या भाग से गुना में ले जाएं, जब आप गुना भाग की काम कर रहे हैं तब वो बदलेगा साइन। प्लस से माइनस में ले जाना या माइनस से प्लस में ले जाना, उसमें साइन नहीं बदलता है। तो इसीलिए जब माइनस 2 को इधर लाए, 17 को उधर ले गए, माइनस में हुआ, साइन नहीं बदला, उसका मूल कारण यही था। तो ये आपको हो गया 5x लेस इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15। अब देखिए x का कोफिशियंट कितना, तो बोलना है प्लस 5, क्या बोलना है, प्लस 5। तो जो ही प्लस 5 को उधर ले जाएंगे तो साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x लेस इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15 अपॉन प्लस 5, ये 5 गया उधर, तो x लेस इक्वल टू माइनस 3 हो गया। यानी नंबर लाइन सिस्टम पे अगर देखें, ये अगर माइनस 3 है तो लेस देन का मतलब हो गया माइनस 3 से बाईं तरफ, इक्वल टू का मतलब हो गया माइनस 3 को कैरी करते हुए माइनस 3 से बाईं तरफ माइनस इन्फिनिटी तक, इसीलिए एक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर के क्लोज इंटरवल माइनस 3 तक। अगला क्वेश्चन अगर देखें, 7 का ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये 4x होगा, ये आपको 6 होगा, माइनस 10 बगल में है ही, इधर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे 6x माइनस 12 हो जाएगा, तो ये आपको 4x माइनस 4 लेस देन 6x माइनस 12 होगा। इसको इधर लाते हैं, 4x माइनस 6x लेस देन, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस 12 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये अब घटेगा तो माइनस 2x लेस देन माइनस 8 हो जाएगा। जो ही यहाँ एक्स के कोफिशियंट को उधर ले जाएंगे, चूंकि ये निगेटिव है इसलिए साइन आपको बदल जाएगा, यानी एक्स बड़ा हो जाएगा माइनस 8 बाय माइनस 2 से, माइनस 2 को उधर डिवाइड में ले जाएंगे तो एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा 4, कैंसिल हो जाएगा नहीं ये। यानी नंबर लाइन सिस्टम पे अगर 4 को रखें तो 4 को छोड़ करके 4 से बड़ी संख्या कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यानी कि x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। जरूरी नहीं है कि हम इस नंबर लाइन का प्रयोग करें ही,
इसका प्रयोग करते आपको समझ में आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप बिना इसको लिखे ही आप इसके बाद ये लिख सकते हैं तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना इसके भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखें, ये 8 का 1 नंबर क्वेश्चन है और ये आपको क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ है, 3 × x − 2/5 > 5 × 2 − x/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये टर्म, अगर ये जो वेरिएबल का टर्म है ये अगर इसके इधर है तो ये इधर ही रहेगा। इक्वेशन में क्या होता है, हम लोग किसी को भी किसी साइड में लिख सकते हैं। तो ये समझिए कि 3 × x − 2 अगर इसके LHS में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी इस ऊपर वाले टर्म को LHS में ही रखना है, इसको RHS में नहीं ले जाना है। इसका मतलब हो गया इस 3 को इधर लाएंगे ऊपर तो ये 9 × x − 2 होगा, और इस 5 को जब इधर ले जाएंगे तो 25 × 2 − x होगा। ये 3 भी प्लस में था और ये 5 भी प्लस में था, इसीलिए मल्टीप्लाई करने से आपको साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब ये हो गया पहले वाला सवाल, यानी कि 9 से करेंगे 9x − 18, इससे करेंगे 50 − 25x। तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये 9x + 25x होगा, और ये 50 प्लस ये उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा। ये माइनस से इधर आ गया प्लस, और ये माइनस से उधर गया प्लस हो गया। क्योंकि ये प्लस माइनस में आप साइड चेंज कर रहे हैं इसलिए साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपको हो जाएगा 34x, ये आपको हो जाएगा 68। अब देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ 34 है जो कि प्लस में है, इसलिए जब इसको इधर ले जाएंगे तो साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी x > हो जाएगा 68/34, यानी x > हो जाएगा 2, यानी कि x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक। बिना नंबर लाइन के भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं अगर आप समझ रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये आपको 8 का 2 नंबर क्वेश्चन है, और आपको जो क्वेश्चन है वो सामने में है, लेकिन आप अगर बगल में देखें तो आपको एक्स बिलोंग टू एन करके लिख दिया है। इसका मतलब हो गया इसका आंसर इंटरवल में नहीं जाने वाला है, क्योंकि नेचुरल नंबर दे दिया है ना आपको। इंटरवल बनता है जब रियल नंबर में हो तब, इसलिए नेचुरल के कंडीशन पर आपको विचार करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, या तो इसको आप इधर ले आइए पहले ही, या आप इसका एलसीएम लेकर के भी हम काम कर सकते हैं। तो इसको जब इधर ही ले आए तो 11 − 2x/5 −9 − 3x/8 > हो जाएगा 3/4। इसको उधर ही छोड़ दिए, इसको इधर ले आए हैं। 5 और 8 का एलसीएम बोलिए, 40 हो जाएगा। तो 8 इधर आएगा तो 8 × 11 − 2x, 5 इधर जाएगा तो −5 × 9 − 3x, और ये तो आपको 3/4 दाईं तरफ रहेगा ही। इसके ब्रैकेट को ओपन करिए ऊपर में तो ये आपको जाएगा 88, ये हो जाएगा 16x, ये आपको जाएगा 45, और ये हो जाएगा +15x। नीचे में आपको 40 है ही, और ये साइन आपको 3/4 तो लिखना ही है साइन के बाद। ये 88 है और ये 45 है, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ये घटेगा तो यहाँ −x होगा, नीचे में 40 है > 3/4 है। अब ये हो गया पहले का सवाल, इस 40 को उधर लेके चले जाना है। तो चूंकि 40 इधर प्लस में है और ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रहा है, इसलिए साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 43 − x > 3/4 × 40, ये 40 जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो जब 4 से ये कैंसिल आउट होगा 10 टाइम्स में तो यहाँ पर हो जाएगा 30, 43 − x > 30। अब अगर x निकालना हो तो 43 को हटाना पड़ेगा, तो इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये आपको जाएगा −x > 30 − 43। इसको जब उधर ले जाएंगे तो 30 − 43 हो जाएगा, तो ये घटेगा, तो ये घटेगा तो −13 हो जाएगा, −13 होगा। अब ये माइनस को कैंसिल आप कर नहीं सकते हैं, इक्वेशंस में तो आप कर देते हैं, माइनस कैंसिल हो गया तो आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर इस माइनस को अगर आप हटाते हैं तो यूँ समझिए माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाएगा। तो इसी को लिखिए, आप एक टेक्निक से लिखिए कि x <
माइनस 13 अपॉन माइनस 1, ये माइनस मतलब हो गया माइनस 1, इसको डिवाइड में ले गए तो साइन बदल गया, यानी एक्स लेस इक्वल टू ये आपको हो जाएगा 13। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स बिलोंग कर रहा है किस में, एन में, नेचुरल नंबर में, यानी एक्स बिलोंग कर रहा है 1, 2, 3 से लेकर के 12, 13, 14 से लेकर के आगे तक, ये ना हुआ ये चीज। 1 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक जाना है, प्लस इन्फिनिटी तक जाना है, नेचुरल नंबर में है इसीलिए। और ये कह रहा लेस इक्वल टू 13, यानी 13 को लेते हुए 13 से छोटा कहाँ तक आ सकते हैं, 1 तक आ सकते हैं। लिखेंगे हैंस यहाँ पे x बिलोंग करेगा 1, 2, 3, 4 से लेकर के 13 तक, और यही फाइनल आंसर होगा 1 से लेकर के 13 तक। तो जिस तरह का सेट होगा आंसर वैसा छोड़ना है, नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ हो रियल नंबर का आंसर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए नेचुरल का अगर सेट है तो आपको सेट भी नेचुरल के ही टर्म में लिखना पड़ेगा, यानी वो सिंपल सेट में उसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें 8 का, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, अगर इसका एलसीएम लें तो ये 15 होगा, 3 इधर आएगा तो ये 9x होगा, ये 5 इधर आएगा 5 × 2x − 1 होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 1। 9x − 10x ये माइनस माइनस प्लस 5 है, और नीचे में आपको 15 है ही, इधर आपको 1 रहेगा ही, तो ये 9x − 10x − x + 5 अपॉन ये 15 ग्रेटर देन 1 हो गया। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसको जब इधर की तरफ ले जाएंगे तो चूंकि ये प्लस साइन में इसलिए साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 15 हो जाएगा। इस 5 को जब उधर ले जाएंगे माइनस एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा 15 − 5, ये प्लस 5 उधर गया माइनस 5 हो गया, यानी माइनस एक्स ग्रेटर देन हो गया आपको 10। जो ही एक्स को निकालेंगे तो माइनस को उधर ले जाना है, तो जो ही माइनस को उधर ले जाएंगे यानी कि एक्स लेस देन हो जाएगा 10 − −1, यानी एक्स लेस देन हो जाएगा −10, क्योंकि माइनस को नीचे रखें कि माइनस को ऊपर रखें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर रियल नंबर रहता तो आंसर इसका इंटरवल में छोड़ देते, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा काम नहीं करना है, आपको यहाँ दिया हुआ एक्स बिलोंग कर रहा है होल नंबर में, लिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स बिलोंग कर रहा है होल नंबर में, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्याएं होती है इसमें। अब इस जितना भी संख्या लिखे हैं इसमें बोलिए माइनस 10 से छोटा कौन सब है, माइनस 10 से छोटा कौन सब है, तो माइनस 10 से छोटा कौन होगा, माइनस 11, माइनस 12, माइनस 13, क्या इसमें नेगेटिव की एक भी संख्या है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। लिखेंगे हैंस हियर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट हियर, हियर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यहाँ एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने वाला नहीं है, इसीलिए इसको लिखेंगे एक्स बिलोंग टू, ऐसे करके लिखते हैं, ये सिंबल है आपको फाई का, ये सिंबल है फाई का, सेट में बताएंगे इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट हो गया, ये नल सेट हो गया। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये आपको 9 का पहला नंबर क्वेश्चन है, 3 upon x − 2 < 0, और इस पर एक आप लोग को क्वेश्चन बताए हुए हैं कि अगर नीचे में टर्म हो वेरिएबल का और एक तरफ अगर संख्या हो या जीरो हो तो कोशिश करिए एक तरफ जीरो करके बाकी जो टर्म बचता है उसके नीचे में जो टर्म है उसके होल स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि एक्स माइनस टू अगर नीचे में है इस एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई करना है और एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर से दाईं तरफ भी मल्टीप्लाई करना है, ऐसा काम करने से इसके साइन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता है। किसी भी संख्या का स्क्वायर मतलब क्या, पॉजिटिव, और पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई करने पर साइन नहीं बदलता है, तो इसीलिए इसके होल स्क्वायर से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया तो एक टर्म ये कैंसिल होगा, तो 3 × x − 2 < 0 हो जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा। अब अगर इस 3 को उधर लेके चले भी जाएंगे तो 0 / 3 0 ही हो जाएगा,
यानी x माइनस टू लेस देन जीरो होगा, और जब माइनस टू को उधर ले जाएंगे तो x लेस देन प्लस टू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि यहाँ रियल नंबर की बात हो रही है, और जब रियल नंबर की बात हो रही है इसका मतलब हो गया कि हमें नंबर लाइन की बात कर रहा है वो, और नंबर लाइन पे अगर टू डालते हैं तो दो से छोटा यानी दो को छोड़ करके माइनस इन्फिनिटी तक, इसका मतलब हो गया इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के टू तक ऑपर इंटरवल में, ऑपर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर के टू तक। आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 तक ही बनाना है इस बुक में, आप लोग को 1 से 4 तक तो बता ही दिए थे, अगर नहीं बनाया हो तो उसको भी बनाएंगे, अगर बना लिए हो तो कोशिश करिए 4 से आगे जो 9 तक का क्वेश्चन है इसको बनाएंगे। इसलिए आज का वर्क रहा क्वेश्चन नंबर 4 to 9, इसी को आप लोग जो है बनाएंगे और मेहनत से इसका एक नोट्स भी बनाएंगे। कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और साथ ही साथ अगर इस वीडियो को अपने सर्कल में सर्कुलेट कर देते हैं, शेयर करते हैं तो वो और भी अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।